कांकेर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी नजर हजारों की भीड़ में मौजूद सभा में एक बच्ची पर पड़ी। बच्ची के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से बनी हुई स्केच थी। जैसे ही पीएम मोदी की नजर उस बच्ची पर पड़ी, पीएम ने मंच से उस बच्ची को आवाज लगाई। निहारिका ठाकुर, जो पैराडाइज स्कूल में कक्षा पांचवी की छात्रा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान भरे मंच से बच्चे का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं आपको पत्र लिखकर धन्यवाद प्रेषित करूंगा। इस दौरान बच्चे को बैठाने का आग्रह किया। ये बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन बेटी, थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो? ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मैं मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। मैं कल रात से चालू। अच्छा, मोदी जी ने आपको नाम बोला था, दुकान आपकी पेंटिंग आपसे मंगवाई, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना समय लगा आपको इस पेंटिंग को बनाने? मुझे इस पे बनाने के लिए 3 महीने। कौन सा कक्षा में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 5वीं पढ़ती हूं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से आपकी तस्वीर देखी, आपको पुकारा, मुझे बहुत अच्छा लिखने की बात भी कही उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे देखा। मुझे लग नहीं रहा था कि वो मुझे देख रहे हैं।